भाई साहब माफी भाई साहब, जो भी रेगुलरली इस चैनल को देखते हैं वो बहुत खफाएंगे, भैया ये जहरीले टेक अपडेट्स आ क्यों नहीं रहे हैं। एक्चुअली बीच में पता नहीं मैं कहां हूं, लग जाता हूं दूसरी वीडियोस में, दूसरे कामों में, लेकिन अभी रिसेंट में मुझे कुछ कमेंट मिले, लोग कह रहे भैया क्या बात की, भूल गए, आई थिंक मैं भूल ही गया था। अबे साले, मतलब उम्मीद पूरी है, पक्का वादा नहीं कर रहा कि हफ्ते में एक या 15 दिन में एक जहरीले टेक अपडेट्स जरूर दूंगा। दिस इज जहरीले टेक अपडेट्स एपिसोड 13, वेलकम बैक। और यहां पर हम बात करते हैं सारी टेक्नोलॉजी अपडेट्स, क्या आने वाला है, क्या गेम्स हो गए, कुछ हो गए, और आपके सवालों के जवाब हम Q&A भी करते हैं, #Q&A करके जो भी तुम्हारे सवाल हो डाल दो, अगली वीडियो में उठा लेंगे। ऐसे ही कुछ सवाल इस वीडियो में भी उठाए हैं पिछली वीडियो से, भले 3 महीने पुरानी वीडियो है लेकिन सवाल ऐसे उठाए कि वो आज भी एप्लीकेबल है। तो भाई अगर पहली बार आओ सब्सक्राइब मारो और मैं न्यू शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लैपटॉप और हैंडहेल्ड की बातचीत कर लेते हैं। भाई यहाँ पे आईफोन के प्रोसेसर्स पे अब मैकबुक आएगी और उसकी प्राइसिंग होगी $600 के आसपास, यानी कि भाई 50-60,000 रुपीज। एंड भाई डायरेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्वालकॉम बैठा है, क्योंकि क्वालकॉम के एक्स सीरीज के लैपटॉप, अभी हमने लेनोवो का आइडिया पैड किया कुछ दिन पहले, वीवो बुक किया था, 60-65,000 रुपीज में उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अब अगर मैकबुक आ जाती है तो उनकी कंपेटेबिलिटी, उनका इकोसिस्टम तो ऑलरेडी बहुत आगे है, तो भाई दिक्कत होगी फिर तो बहुत ज्यादा क्वालकॉम वालों। बस हाँ वही बात है, एप्पल वाले हैं, बजट में देंगे तो 8GB 128GB वाला ही मामला रखेंगे जहां तक मेरे को लगता है, 16512 तो नहीं होने वाला। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ, एकदम मजा आता है कमेंट पढ़ने में भाई साहब। और MSI Claw 8 जो अभी लॉन्च हुआ था ना, जो हमने ताइवान में आपको दिखाया भी था, जिसमें AMD और Intel के लेटेस्ट प्रोसेसर थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शायद होने वाली थी क्योंकि हमें टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, प्रोबेबली वो इंडिया में भी आने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक अपडेट आया जिससे 30% परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है। बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जो आप अपने सामने स्क्रीन देख सकते हो, एंड इसका फायदा होगा हमें जब बाद में इंडिया में डिवाइस आएगी तो प्रोबेबली काफी स्टेबल आएगी, नॉट लाइक लास्ट टाइम MSI Claw जो इतना अच्छा नहीं रहा था। और भाई एक मॉडल ने तो स्टीम डेक OLED के अंदर 32GB रैम कर दी, प्रॉपर प्रूफ है भाई उसके डिवाइस में 32GB रैम देख सकते हो, मतलब ब्रांड नहीं दे पाए बंदे ने कहा मैं खुद कर लूंगा। और भाई GPD Win 5 पहला हैंडल जो AMD Strix Halo प्रोसेसर्स के साथ होगा, विद AMD Ryzen AI Max Plus 395 प्रोसेसर, 16 कोर्स 32 थ्रेड्स इन अ हैंडहेल्ड, और साथ में 55 टॉप्स का NPU यानी कि Copilot Plus सर्टिफाइड, और सारी स्पेसिफिकेशन आपके सामने जो कि काफी पावरफुल होगा। अब ये इंडिया में लॉन्च नहीं होता, अगर इसी डिवाइस के टाइम स्टैम्प पे 1000 कमेंट से ज्यादा मिले मैं इंपोर्ट करा के वीडियो बनाऊंगा, भर डालो अलग अलग अकाउंट से, ऐसा कुछ नहीं एक बंदा एक कमेंट करेगा तभी बात बनेगी भाई साहब। और AMD Magnus APU के कुछ स्पेक्स लीक हुए हैं जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोबेबली कंसोल्स वगैरह में यूज होगा, जो RDNA 5 आर्किटेक्चर बेस्ड होगा एंड फीचर्स अप टू 70 कंप्यूट यूनिट्स, और मेरे को लगता है फ्यूचर कंसोल्स में PS6 में शायद नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट वीक PS6 के कुछ लीक्स रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर कह रहे भैया 10x रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस PS5 से बेटर होगी और इक्विवेलेंट RTX 5080 की परफॉर्मेंस होने वाली है, तो मुझे लगता है फिर ये डिफरेंट ही होने वाला है, एंड देखते PS6 कैसा रहेगा। मुझे PS5 में सही बताऊं तो इतनी एक्साइटमेंट रही नहीं, ना तो कोई ढंग का एक्सक्लूसिव टाइटल ही आया, वो कंसोल ऐसा मतलब कब आया, कब उसका लाइफ स्पैन खत्म भी होने वाला है, लाइक 6 साल होने वाले हैं PS5 को, बहुत जल्द, बहुत दुखद रहा। PS4 कितना एक्साइटिंग था, PS3 कितना एक्साइटिंग था, कितने टाइटल, कितने लॉन्चेस, आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। अब ये पीसी देखो, नहीं ये मैक स्टूडियो नहीं है, ये एक बीलिंग करके चाइनीज ब्रांड है जिन्होंने अपना पीसी रेडी किया है, जिसके अंदर AMD Ryzen AI Max Plus 395 प्रोसेसर, जो मैं हैंडल्ड वगैरह के लिए बात कर रहा था, स्पेक्स वगैरह सेम है, अप टू 128GB LPDDR5X रैम और सारे मेजर पोर्ट्स, फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड प्राइसिंग अराउंड $2000 के आसपास, यानी कि 170-180,000 के आसपास। बस वो ये है कि एक बीलिंग यानी कि शहद और एक सेब है, इंडिया में तो नहीं मिलने वाला था, बस बताने का मन तो बता दिया। और भाई AMD Ryzen Threadripper 9995WX के स्कोर लीक हुए Cinebench R23 में 222,000, जिसकी वजह से उन्होंने 8 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं या 8 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। भाई 222,000 मल्टी कोर स्कोर, क्या परफॉर्मेंस होगी, पैसे भी फिर उतने ही होंगे। और एप्पल के M5 Air का जो लाइनअप होगा उसके अंदर आपको लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज नहीं थी, लेकिन मुझे लगा ये लेटेस्ट वाईफाई की वजह से PS5 Pro इंडिया में नहीं आ पाया था। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता, क्या मैकबुक एयर भी नहीं आ पाएगी इसलिए बता दिया। और भाई इंटेल नोवा लेक जो 2026 के एंड तक आने की पॉसिबिलिटी है, जो उनके अपकमिंग प्रोसेसर हो गए इंटेल कोर अल्ट्रा 400 सीरीज वाले, क्योंकि अभी जो 300 सीरीज आएगी डेस्कटॉप पे वो मेरे हिसाब से एक रिफ्रेश होगी, जैसे 13 के बाद 14 जनरेशन आई थी ना,
तो 200 के बाद जो 300 वो ऐसी होने वाली है। रूमर्स के हिसाब से जो 400 सीरीज होगी कोर अल्ट्रा 9 के अंदर अप टू 50 कोर्स के आसपास हमको मिल सकते हैं, एंड इसमें से कुछ वेरिएंट्स होंगे जो X3D आर्किटेक्चर बेस्ड होंगे। क्या कह रहे हैं, मतलब AMD को फुल टक्कर दे दी जाएगी, अब हम गेमिंग CPU हम भी बना देंगे। और ये कुछ ऐसा लाइनअप होगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेल कोर अल्ट्रा 9 विद ऑल द कोर्स इन्फॉर्मेशन। एंड मॉनिटर में LG के नए मॉनिटर आने वाले हैं विद टैंडम OLED। सुना सुना सा लग रहा ना, जब एप्पल का iPad Pro आया था M4 वाला, तो उसमें टैंडम OLED लगाई थी। टैंडम OLED में बेसिकली है, इसको टैंडम नाम लगा के 2 OLED बुलाओ, यानी कि एक स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन के ऊपर एक और स्क्रीन होती है, और दोनों की वजह से आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी, बेटर ब्राइटनेस, बेटर कलर्स मिलते हैं, एंड वही टेक्नोलॉजी आपको मॉनिटर में मिलेगी, तो डेफिनेटली बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। एंड आई थिंक इस बार CES में हमारे को और ज्यादा मॉनिटर लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम LG, other brands also। और NVIDIA RTX 50 सीरीज के GPU आने के rumors हैं 2026 के अंदर, and 50 सीरीज को लेके ना मैं इतना ज्यादा खास को इतना excited हूँ नहीं। अब Super क्या करेगी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे comparisons किए 40 सीरीज या 50 सीरीज से, इतना बड़ा जंप मिला नहीं। एंड वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है मेमोरी कैपेसिटी, क्लॉक एंड पावर के, जिसके अंदर Super थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। लेट्स सी ऑन रियलिटी कितना बेटर परफॉर्म करेगा, कंपेरिजन करके जरूर दिखाएंगे। और ना NVIDIA की लेगेसी रही है अपना साइंटिस्ट के नाम पे अपना आर्किटेक्चर रखने की, जैसे Ada Lovelace तो Lovelace आर्किटेक्चर था, और डेविड ब्लैकवेल तो ब्लैकवेल चिप्स जो अभी चल रही है RTX 50 सीरीज। तो अभी जो इनकी अगली सीरीज आएगी वो इनके एक साइंटिस्ट के नाम पे हो सकती है, वेरा रूबिन करके, तो वेरा आर्किटेक्चर या रूबिन आर्किटेक्चर, बस ऐसे ही बता दिया 2026 तक आने के चांसेस हैं। और इंटेल रिपोर्टेडली आर्क B380 GPU पे काम कर रहा है, जो इनका बैटल मेज सीरीज का ग्राफिक कार्ड होगा, जो बैटल मेज सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, और ये बजट सीरीज का ग्राफिक कार्ड होगा। इसके लीक्स बेसिकली भी रिसेंटली कंफर्म हुए एक लिनक्स के ड्राइव कोड के थ्रू। लेट्स सी आता है नहीं आता, और इंडिया में आता है नहीं आता, और NVIDIA AMD के आसपास कहां खड़ा होता है सब देखेंगे। अब थोड़ी स्मार्टफोन रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 2 के बेंचमार्क स्कोर्स लीक हो चुके हैं Geekbench 6 के। भाई मल्टी कोर सिंगल कोर में अच्छे खासे धुआंधार नंबर है, और ये सैमसंग गैलेक्सी S26 एज के लीक हुए हैं स्कोर्स, तो S26 सीरीज आने वाली है। एंड जितने प्रोसेसर पावरफुल होते जा रहे हैं, क्या उतनी डिमांडिंग एप्लीकेशंस या गेम्स हैं हमारे पास, मेरे को बताना कमेंट करके, क्योंकि स्मार्टफोन्स में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, बट उसके हिसाब से यूज केसेस नहीं बन पा रहे जितना मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी देख पा रहा हूं। अपने थॉट जरूर शेयर करना विद द टाइम स्टैम्प्स। और कुछ अपकमिंग रिलीजेस, जैसे गूगल पिक्सल 10 आने वाला है, जिसकी प्राइसिंग 110,000 के आसपास होगी। टेंसर G5 चिपसेट होगा, OLED डिस्प्ले होगी, बाकी सारी स्पेक्स आप देख लेना। और रियलमी की पी सीरीज जो 15-20 हज़ार के आसपास आती है, उसका P4 एंड P4 प्रो आने वाले हैं। ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स होते हैं, एंट्री लेवल कैमरा, एंट्री लेवल परफॉर्मेंस, बाकी स्पेक्स वगैरह स्क्रीन पे देख लो। और हुआवे का ट्राईफोल्ड तो याद होगा, उसका जनरेशन 2 आने वाला है, और ये पता है कब लॉन्च कर रहे हैं, जब एप्पल अपना आईफोन 17 का लॉन्च करेगा ना, उससे अगले दिन। क्या करें, हाइप खा लेंगे, मतलब चाइना में हुआवे चाइना में बहुत दिखता है। और One UI 7 जस्ट अभी होके निकला था सैमसंग के फोन्स के ऊपर। One UI का बीटा 8 रिलीज होने वाला है। इनिशियली जो डिवाइसेस रहेंगे S25, S24, गैलेक्सी Z Fold Flip 6 एंड 7 सीरीज, इन सब पे होगा, बाकी बाद में धीरे धीरे रोल आउट करेंगे जैसे जैसे फीडबैक मिलता है। वैसे One UI एक्साइटिंग लगता है, काफी सारी चीजें आती है उसके अंदर। और भाई Vivo मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट मार्केट में घुसने वाला है, पहला मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट आने वाला है इनका भी 21 अगस्त को। और इनका नहीं है कॉम्पिटिशन कोई मेटा क्वेस्ट या कुछ सस्ती वस्ती बातचीत से, कह रहे भैया एप्पल विजन, बाकी देखते हैं क्या कर लेते हैं। एप्पल विजन भी बहुत एकदम तहलका मचाते हुए आया था, 4 लाख रुपए लोग कह रहे भाई साहब क्या क्या करेंगे इसका। बट सिर्फ महंगी बातचीत ही नहीं, मेटा ने बोला भैया तुम टेंशन ना लो, हम भी तुम्हारे लिए 2 VR हेडसेट पे काम कर रहे हैं। बेसिकली डेमो आएगा 2 प्रोटोटाइप VR हेडसेट्स का, जिनका नाम होगा तिरामिसू और बोबा 3। खाने की चीजों पे क्यों नाम रख रहे हैं भाई, जिसमें जो बोबा 3 होगा ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा पिक्सल पर डिग्री कंपेयर टू मेटा क्वेस्ट 3 उस पे चलेगा, और जो टेक्नोलॉजी होगी वो कंपैरेटिवली मेटा क्वेस्ट 3 वाली ही होगी। लेट्स सी क्या होता है, ऑब्वियसली ये 30-40 हज़ार के बजट में ही निकालते हैं। अब थोड़ी सी गेमिंग न्यूज, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 7 एंड बैटलफील्ड 6 को चलाने के लिए TPM 2.0 और सिक्योर बूट जस्ट लाइक वैलोरेंट हमारे को चाहिए होगा, सो दैट हैकिंग वगैरह ना हो। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग एंटी चीट होगा इनका। और जिन्होंने बहुत दिनों से अपना प्लेस्टेशन ऑन नहीं करा मेरी तरह, लेकिन प्लेस्टेशन प्लस मेंबरशिप वालों के लिए कुछ गेम्स आए हैं, जरा क्लेम कर लो। लाइज ऑफ पी मिल जाएगा, डेजी मिल जाएगा, एंड माई हीरो वंस जस्टिस 2। अगर प्लेस्टेशन ऑन नहीं करना तो PS प्लस की ऐप पे भी जाके क्लेम कर सकते हो, लाइब्रेरी में ऐड कर लो, लाइफ टाइम रहेगा, जब तक मेंबरशिप है तब तक गेम खेलो। और कुछ बढ़िया गेम्स पर डिस्काउंट चल रहा है स्ट्रीम पे, मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो तुम्हें बताता हूँ। हिटमैन सीरीज पे अप टू 90% ऑफ है अलग अलग हिटमैन गेम्स में, जैसे ब्लड मनी 48 रुपीज का मिल रहा है, हिटमैन एब्सोल्यूशन 56 रुपीज, और भी आप देख सकते हो। फ्रीडम फाइटर किस किसने खेला है, अगर खेला तो कमेंट करके बताओ विद द टाइम स्टैम्प। फ्रीडम फाइटर 45 रुपीज की मिल रही है स्ट्रीम पे, अगर आपको पुरानी यादें ताजा करनी है तो आप चेक कर सकते हो। और ईवो चैंपियनशिप की तरफ से स्ट्रीट फाइटर 6 पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट है, 1874 रुपीज की चल रही है। और रेसिंग फीस भी चल रहा है, NFS हीट एंड NFS बाउंड पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, 244 रुपीज की मिल रही है, तो खरीद लेना जब ये वीडियो बना रहा हूं। आगे पीछे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो
बाद में मेरी कोई गलती नहीं होगी। एंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा न्यूज, जैसे व्हाट्सएप पे मेटा AI तो है ही, और लेकिन अब और नेक्स्ट लेवल होने वाला है कि AI आपके लिए मैसेज लिखेगा आपके बिहाफ पे। अब वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से आप वो प्रॉम्प्ट दोगे, या क्या होगा, या वॉइस के थ्रू चलेगा, लेट्स सी। और भाई जैसे कि डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है, फोटोज एंड इमेजेस का डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब तो फिजिकल फोटोज वगैरह कोई पासपोर्ट या वीजा पर्पस या कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आती है, ऐसे ही कोडेक आफ्टर 130 ईयर्स बंद होने वाली है बिकॉज उनके ऊपर $470 मिलियन का डेट है। और भाई कोडेक को कौन नहीं जानता, 1888 में स्टार्ट हुई थी, जिनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था रोल फिल्म, कैमराज, कलर फिल्म, फोटो प्रिंटिंग एंड प्रोसेस वगैरह। लेकिन जैसे जैसे चीजें डिजिटल होती चली गई, इन चीजों की डिमांड कम होती चली गई, एंड ऑब्वियसली फिर तो बैंकरप्ट होना ही था। और नेक्स्ट मंथ आईफोन 17 रिलीज होने वाला है, सबको पता ही है। उन्हीं के साथ साथ इनकी एप्पल वॉच सीरीज 11 एंड अल्ट्रा सीरीज 3, वही महंगे वाली कि भैया पहाड़ पे चढ़ जाएगा लो, वो भी रिलीज होंगी साथ साथ। बाकी सुनने में ये आ रहा है कि भाई वॉचेस चेंज होंगे लेकिन प्रोसेसर सेम रहेंगे, बाकी देखते हैं कितना सच है कितना झूठ। और भाई HDMI 2.2 इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, जिसके अंदर आपको मिलेगा अप टू 16K 96GB बैंडविड्थ के साथ, यानी कि रेजोल्यूशन 16K 60Hz, 12K 120Hz, 4K 240Hz तक, एंड फुल 10 एंड 12 बिट कलर डेप्थ का सपोर्ट होगा। अभी उसके लिए इतने पावरफुल डिवाइसेस लाइक GPUs, लाइक इतने रेजोल्यूशन पे गेम्स, ऐसी स्क्रीन्स, मॉनिटर्स, सब कुछ आएगा, तभी उसका पूरा फायदा उठाएंगे। लेकिन पहले इनपुट आता है तभी आउटपुट आता है, दैट अप्लाइज टू रियल लाइफ एज वेल। और मैंने सुना टेस्ला का नया एक्सपीरियंस सेंटर खुल गया दिल्ली में, या कार इतनी सस्ती निकाली क्या एक्सपीरियंस करेगा आदमी। वैसे ईवी से याद है, तुम्हारे भाई ने भी एक ईवी लिया, अभी कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाली थी, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया था लोगों ने, थैंक यू सो मच। और उसका भी जल्द वीडियो ला रहे हैं चैनल पे। अब उठा लेते हैं कुछ सवाल लास्ट वीडियो से, जिसमें सबसे पहला है पीयूष की तरफ से, भाई वैनम भाई बेस्ट IEM का कंपैरिजन कर दो अंडर 5K। भाई तुमने मुंह की बात छीन ली, IEM का वीडियो शूट हो चुका है, एडिटिंग चल रही है, और 5000 के अंडर अंडर ही IEM, स्पॉइलर दे दो थोड़ा सा, 8-9 IEMs है, और वो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी ना उसमें से ही उठाए थे, तो उसमें आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। और चेतन भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ऐसा प्रेडेटर है i9 3060 वाला, अरे वाह 12 जनरेशन काफी पुराना है, मेरे लैपटॉप की बैटरी कैपेसिटी 20% के नीचे आ गई है, तो भाई मैं चार्जिंग पे चलाता हूँ तो ओके। हाँ चला सकते हो चार्जिंग पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंपनी है यार, तुम सर्विस सेंटर में फोन करो, ऑफलाइन मार्केट में देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कोशिश करना ओरिजिनल बैटरी डलवाने की, मन करे डलवा लो, अगर डायरेक्ट चला रहे हो ना चार्जर से तब भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और योगेंद्र भाई कह रहे हैं हाउ मच प्राइस ड्रॉप इट कैन बी आफ्टर रिलीजिंग RTX 50 सीरीज GPU इन परसेंटेज, आई हैव टू बाय Acer Predator। भाई देखो अभी तो 50 सीरीज ढंग से नहीं लॉन्च हुई, तो 40 सीरीज के प्राइस ही क्या ड्रॉप होंगे, BBD GIF आने वाली है, उसमें दबा के डिस्काउंट मिलेंगे ऑन 50 सीरीज ऑल्सो, एंड 40 सीरीज पे तो मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो लैपटॉप बिक जाएंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा बिकते हैं, लॉक टफ प्रेडेटर ये सब तो बिकते रहते हैं, इस पे डिस्काउंट शायद देखने को मिले, हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक ही मिले, अगर कुछ यूनिट्स होंगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट होगा, फिर ये स्टॉक आउट हो जाएंगे, और जो नहीं बिक रहे होंगे उन पे ज्यादा डिस्काउंट आएगा। वैसे हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि आपको कौन सा लैपटॉप उस टाइम पे लेना चाहिए कौन सा नहीं, आएगी सेल वाली रिकमेंडेशन वीडियो, डोंट वरी। वैनम टेक भाई आप PC रिव्यू के लिए बनवाते हो, वो सेल करते हो क्या? नहीं, देखो क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारा सामान ब्रांड्स की तरफ से आता है, तो कुछ सामान वापसी चला जाता है, कुछ सामान हमारे पास एज अ कीपर रहता है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के लिए, जो आप कंपैरिजंस वगैरह देखते हो, समटाइम्स कोई भी आइडिया जाता है, कोई डेटा चाहिए होता है, रीटेस्ट करना होता है, तो सब के लिए चीजें हम अपने पास रखते हैं, बेचते नहीं है। और श्रेयांश भाई आई हैव अ PS4 सो इट इज अ गुड टाइम टू गो फॉर PS5 और वेट फॉर PS6 इस्तेमाल था, आईफोन 17 का वेट करना चाहिए, वीकेंड सेल में 16 उठाना चाहिए। भाई ये एक सवाल में इतने सवाल, पहले तो PlayStation की बात कर लूँ, देखो भाई PS5 पे इतने ज्यादा लॉन्चेस हुए नहीं है जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं, बाकी गेम्स तो आपके विंडोज पे भी रिलीज होता है, अगर आपके पास कोई विंडोज गेमिंग PC है या लैपटॉप है तो उस पर खेल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो PS5 की नीड है नहीं। अगर वेट कर ही सकते हो तो नेक्स्ट ईयर तक एंड तक PS6 आ ही जाएगा, उस पर देखो कितने नए टाइटल्स आते हैं, रूमर्स हैं भाई वल्वरीन वगैरह और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स आएंगे, अब कितने आएंगे या वो भी एक तरीके से PS5 की तरह डेड ही रहेगा, लेट्स सी क्या होता है। और बात रही आईफोन की, अब अगले महीने लॉन्च हो रहा है, देख लो क्या होता है, वरना BBD GIF में तो 16 धक्के खाई रहा होगा डिस्काउंट पे, कार्ड ऑफर सेल ये वो वगैरह, और प्रो वगैरह पे भी छोटे मोटे डिस्काउंट मिल ही जाएंगे। और जगरीत भाई कह रहे हैं 20K में 3070 मिले तो ले लूं, भाई आराम से यार 1440p में बढ़िया गेमिंग करवाता 3070, अच्छा GPU है। बस यही था, और कोई सवाल है तो अब डाल दो हैशटैग करके, और अपना सवाल अगली वीडियो में उठाएंगे, पक्का जल्दी जल्दी वीडियो आएगी, 15 दिन में तो पक्का, हफ्ता मेरा पूरा पूरा उम्मीद है, अगर न्यूज़ ज़्यादा नहीं बन पाती तो मैं वीडियो नहीं बनाता, बट हाँ इस सीरीज को अब कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज प्यार बहुत देते हो तुम, अब इसी बात पे इतना प्यार दे रहे तो लाइक मार दो, कमेंट कर दो कुछ प्यारा सा, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।